नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी YouTube पहाड़ी फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों, मैं घर से निकल चुका हूं और मुक्तेश्वर पहाड़ों में आज हुई है थोड़ी बहुत बारिश और रात को भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है और काफ़ी ठंडा हो रहा है अभी सुबह के टाइम। मैं पहले आपको शानदार नज़ारे दिखाता हूँ सुबह के टाइम के। तो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दिखाता हूँ आपको मौसम, कितना खूबसूरत मौसम आज दिखाई दे रहा है। दीपक भाई और मैं तो घर से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं चकोटा साइड को। मैं थोड़ा आपको मौसम दिखाता हूँ। देखिए, रात को हुई है बारिश और आज दिन भर मौसम पूरा ख़राब बना हुआ है। सामने देखिए ठाकुर बाबा टॉप पे काफ़ी खूबसूरत क्लाउड वहाँ पे आसमान के नीचे छाए हुए हैं, घाटी के नीचे छाए हुए हैं। ये है नज़ारे अभी। तो चल रहे हैं हम चकोटा की तरफ, तो चलते हैं फिर आगे से आपको रोड से धानाचुली की साइड का व्यू दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, सामने की तरफ का मस्त व्यू आ रहा है अभी और ठंडा इतना हो रहा है बता नहीं सकते, गजब ठंडा हो रहा है। कछले मार्केट के पास में हम पहुंचने वाला हूं और देखिए नज़ारे, रोड कितनी गीली हुई है नीचे भालूवाड़ वाटरफॉल, और ये हैं बारिश के बाद नज़ारे पहाड़ों के। और सामने देखिए व्यू, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है ये देखिए। लेकिन ठंडा भी उतना ही हो रहा है जितना अभी, जितने खूबसूरत अभी व्यू जा रहे हैं उतना ही काफ़ी तगड़ा ठंडा हो रहा है यहाँ पर। तो सामने कछले मार्केट पर पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मुक्तेश्वर साइड के। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कसैली मार्केट में और सामने है मुक्तेश्वर घाटी का व्यू जो आप अभी व्यू देख रहे हैं, और ये है हमारी कसैली मार्केट। बारिश आज सुबह से हो रही है, हल्की दुल्की बारिश लगी हुई है और ठंडा काफ़ी गजब हो रहा है क्योंकि पिछले भी बारिशें हुई हैं तो धरती पे काफ़ी नमी बनी हुई थी, तो इस जगह से ठंडा काफ़ी हो रहा है। सामने की ग्रीनरी देखिए, मस्त व्यू आ रहा है आज। तो दोस्तों, मैं अभी कसैली मार्केट में ही हूँ और हूँ अभी जलेबी की शॉप में। सामने अंकल जी जलेबी बना रहे हैं, तो मुझे ले जानी है जलेबी और थोड़ा आग भी सेक लेते हैं क्योंकि घर से आते आते काफ़ी ठंडा हो गया हाथों में, आज ठंडा काफ़ी हो रहा है। तो दो किलो जलेबी यहाँ से ले जानी है मुझे। और देखिए, ठंडा इस लेवल का हो रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं। इन्होंने भी अपने बगल में ही यहाँ पर आग जला रखी है और काम कर रहे हैं। तो अभी दुकान खुली हुई है, तो जलेबी यहाँ पर बना रहे हैं, जलेबी लेते हैं यहाँ से। और पूरा कमरा इनके धुएँ से भर गया है, पर क्या कर सकते हैं, ठंडा है ही इतना। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ चौखटा पे जलेबी लेके, और यहाँ पे देखिए बारिश लगी हुई है, आते आते जलेबी भी ठंडी होगी। और सामने व्यू देखिए, यह है धानाचुली एरिया का व्यू, पूरा कोहरे से पैक है। और नीचे देखिए रोड पर भी अभी पानी निकलने लग गया है, देखते हैं। दोस्तों, मैं हूँ चकोटा साइड पे और मैं भी पूरा पैक हुआ हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा और काम यहाँ पे रुका हुआ है। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे घाटियों में बादल उतर आए हैं और बारिश हो रही है यहाँ पे। रात को भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और सुबह से यहाँ पे बारिश हुई थी। हम सोच रहे थे कि काम तो हो पाएगा, पर देखते हैं मौसम हमारा साथ दे पाता है नहीं दे पाता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मौसम, खूबसूरत मौसम हुआ है अभी, बारिश हो रही है, तो पहले मौसम दिखाता हूँ और बाद में देखते हैं यहाँ पर हमारा काम हो पाता है नहीं हो पाता है, नहीं तो फिर छुट्टी करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, पहले मौसम दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार का व्यू, इस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है चकोटा साइड से, आप देख सकते हैं। आगे सामने देखिए धानाचुली एरिया है, सुंदरखाल एरिया है, पूरा पैक हुआ है, परबड़ा एरिया है, पूरा पैक कोहरे से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी जीरो आ रही है। और रोड देखिए, नीचे हल्का हल्का पानी रिसने लगा है क्योंकि एक घंटा हो गया लगातार बारिश चली हुई है, और बारिश कुछ इस प्रकार आ रही है, पतली बारिश जिसको हम हल्की बारिश बोलते हैं, उस प्रकार की बारिश हो रही है, एकदम भीगने वाली बारिश। तो देखते हैं काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, फाइनली काम तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, हम चलेंगे घर की तरफ। और जो सुबह काम हुआ, थोड़ा बहुत मिट्टी यहाँ पे फेंकी गई, और जो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये सरिया देख रहे हैं कॉलम के लिए, थोड़ी बहुत सरिया हमने यहाँ पे काटी हुई हैं, तो इतना ही काम यहाँ पे हो पाया और लगातार बारिश यहाँ पे चली हुई है। तो चलता हूँ कसैले के लिए। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ कसैले मार्केट में, दोपहर 12 बजे का समय हो रहा है, और सामने की तरफ देखिए मुक्तेश्वर घाटी में किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है। और अभी देखिए नज़ारे, बारिश रुकी हुई है, हम जा रहे थे भटिलिया की तरफ थोड़ा घूमने दोस्तों के साथ, और देखिए क्या मस्त व्यू देखने को मिल रहा है बारिश के बाद। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ पास में कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, ये देखिए, जो 3 दिन की पिछले बारिश हुई थी, खतरनाक लैंडस्लाइड इस मेन रोड से हुई है, भटिलिया गंगाचौर रोड। और सामने दिखाता हूँ किस प्रकार लोहार यहाँ पर रह रहे हैं इतने ठंड में, किस प्रकार अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं, संघर्ष देखिए लोगों का, इनके लिए एक सलाम बनता है। और पास में हमें एक बंदर मिल गया जो काफ़ी मस्ती कर रहा है, देखिए डराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको, छोटा बंदर है लेकिन इसकी मस्ती देखिए। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कसैली मार्केट से घर की तरफ, कुछ जा रहा हूँ अभी, और मौसम देखिए धीरे धीरे खुलने लगा है। अभी बादल तो छाए हुए हैं आसमान में पूरे, लेकिन मौसम धीरे धीरे देखिए क्या शानदार नज़ारा आ रहा है सामने का,
बढ़िया लग रहा है अभी, तो चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं, शाम के 4:30 बजे का समय हो रहा है और मौसम देखिए धीरे धीरे खुल रहा है मौसम, और बारिश हुई दिन भर और बारिश के कारण देखिए किस प्रकार नमी बनी हुई है, और सामने की तरफ देखिए पूरा कोहरे से ढका हुआ है। तो इस प्रकार के नज़ारे आज, इस प्रकार का मौसम रहा पहाड़ों पे, खासतौर पे मुक्तेश्वर पे। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।